क्या ही देख, मैंने इधर देखा एक बंदा आके मशकूक अपना आधा के कोई रुका, दाढ़ी अच्छी सी मुलायम लग रहा था, कोई पांच चक्कर नवाजी मास्क अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस, ऑल राइट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप लोग सब, क्या आपके कभी ख्याल हो कि तबीयत जिंदा हुई है? अगर कराची में रहते हो तो एक ना एक बार तो हुई होगी। ऐसा एक सीन मेरे भाई सज्जाद और उसके दोस्त मनी के साथ हुआ था। स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। चलो सज्जाद अहमद और मुनीर खान एक्स एक्स, तो इनके साथ शुरुआत करते हैं कहानी। तो सुना आप कहाँ थे, क्या सीन हुआ, आपसे पहले बताएं भाई। ये आया मेरे पास जिम के टाइम पे, तो हम लोग तो भाई जिम के टाइम पे ये दोनों के घर पे गए थे आगे। अब जब घर पे गए, मैंने इसे ऊपर बुला लिया क्योंकि मुझे काम था कुछ। आप दोनों ऊपर घर पे ऊपर आते हैं? काम कुछ नहीं था। अच्छा, इसको खाना खाना था। हाँ, तुझे क्यों बुलाया इसने? इसने बोला अंदर आके बैठ जा। अच्छा, की चाबी मेरी जेब में रह गई बाइक की। ओके, तो मैंने इसे सोफे पर छोड़ दी थी बाइक की चाबी। हम लोग अंदर रूम में बैठे हुए थे, अब खाना वाना खाया मैंने, ऐसे उतर गए नीचे। अच्छा, चाबी सोफे पे थी, आप दोनों कमरे में थे। अब हम लोग वहाँ से नीचे उतरे कि जिम जाना है। मैं नीचे उतरा तो इस भाई को याद आया कि चाबी रह गई घर पे। हम नीचे उतरे, हम जा रहे थे, हमने देखा ये बाइक खड़ी हुई है। मैंने भाई को याद दिलाया अपन बाइक पे हैं। हमने चाबी मंगवाई, इसने कॉल करी ऊपर चाबी मंगवाई। सही, अब मैं खड़ा हुआ गली, गंदी गली में अपने घर की, तो मैं फ्लैश मार के खड़ा हुआ है पागलों की तरह, कोई आएगा तो चाबी फेंकेगा। मैंने इधर देखा एक बंदा आके मशकूक अफराद आके कोई रुका, दाढ़ी अच्छी से मुलायम लग रहा था, कोई पांच चक्का नमाजी मास्क लगाया हुआ, टोपी अच्छी खासी गली में खड़े हुए। चाबी आई, मैं ऐसे मोबाइल में अंदर रख रहा था जेब में, जैकेट खोलकर। अब मैंने ऐसे, अच्छा चाबी जब आने वाली थी ना, मैंने ऐसे देख के, मैंने बोला यार डकैत लग रहा है। अच्छा, फिर भी हमने इग्नोर कर दिया। मैंने इतने हम लोग मतलब सिक्स सेंस काम करी, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, मैंने शक करा, मैंने माना मैंने शक करा उस पर, लेकिन फिर मैंने बोला यार नहीं, टोपी वोपी पहनी हुई है इसने, शायद सही बंदा हो, कोई इंतजार कर रहा हूँ किसी का। अब मैं ऐसे मोबाइल अंदर रखते हुए आ रहा, भाई सामने से आए हमारे, मैं थोड़ा ज्यादा आगे खड़ा था, उसने ये उनके गले ईद मिलने गए थे, ये उनसे थोड़ी उस भाई ने गन निकाल के चैम्बर खींच के साइड में करवा दिया हमें। मुझे अंदर की तरफ धक्का मारा कि दोनों अंदर हो, ऊपर से कोई देख लेगा। उसने उसकी एक बात ये नोट करने वाली थी कि वो बंदा नया था, क्योंकि उसकी खुद फटी हुई थी, वो डरा होता। हाँ, वो तो लोग होते हैं मतलब डरे हुए होते हैं ज्यादातर, और उसने चैम्बर रखा हुआ था, तो मैंने बोला अब इसको दे दो इससे पहले ये खींच दे। मैंने उसे मोबाइल दिया और मेरे भाई का रुमाल तक चेक करा उसने, पूरा रुमाल निकाला। फिर मेरे से पूछा उसने कि तुम्हारे पास कुछ है, मैंने झूठ बोल दिया, मतलब नहीं कुछ भी नहीं है मेरे पास। और दोनों के पास 150-150 इतना कोई तरसा हुआ इंसान था पैसों का, वो उसने जेब चेक करी मेरी, पूरे हाथ मारे की जेब पे आगे वाली के, ये भी निकाल रही क्या है। मैंने जेब से 150 रुपए निकाल के दे दिए उसे, उसने बोला और निकाल। बाइक का पेट्रोल हो गया ना, मतलब उसका है बाइक का पेट्रोल हो गया, एक लीटर पेट्रोल का हो गया। उसने मेरी जेब पे हाथ मारा, जेब खोली, अंदर से पैसे निकाल लिए खुद ही। इसकी तो खुद ही निकाली। ये बंदा खड़ा, मैंने बोला आप कुछ नहीं है, खुद चेक कर ले अगर, तेरे भाई कुछ भी नहीं है। आया रुमाल निकाला, भाई कुछ भी नहीं है मेरे पास, खड़ा हो गया जेब में हाथ डाल रहा है, इसकी जेबों में हाथ मार रहा है। उसने इस जेब पे हाथ मारा, इस जेब पे हाथ मारा, इस जेब पे उसको कुछ लगा, जेब खोली पैसे निकाल लिए 150 रुपए, 100 की नोट भी 10-10 की नोटों के बीच में कवर करी हुई थी मैंने, एक एक रुपया लेके जाऊंगा आज मैं। 10-10 की नोट देख के भी ले गया बंदा, क्या हाथ से चाबी छीनी पहले, इसके मेरे हाथ से चाबी ली, बोल रहा है आगे मिल जाएगी तुम्हें, पर सीधा जाओ। हाँ, सीधा जाओ, चाबी मिल जाएगी तुम्हें, पीछे मुड़ के मत देखना, बार बार मुड़ के देख रहा। उसने एक आवाज मारी, बाइक स्टार्ट करी, भगाता ले गया। आवाज क्या मारी, क्या देख, आगे देख, तब भी मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। कीड़ा है, जब कोई बोलता है कि ये कर मैं वो नहीं करता, मेरे में कीड़ा ये है, मैं पीछे, सब में यही कीड़ा है भाई। आ गया है वो बंदा, बाइक स्टार्ट करके चला गया, दो लड़के खड़े हुए हमें देख रहे, तो आवाज मार रहा है सीधा जाओ सीधा जाओ। वो लड़के उतने उसके सामने गन रखी है बंदे ने, उसके सामने चैम्बर निकाल के हमारे पास आया वो। उसके कहने के, उसका कहने का मतलब ये है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये था कि वो बंदा एक गाड़ी की आड़ में आके उसने चैम्बर खींचा है, और फिर वो हमें गली में आके उसने चैम्बर दिखाया है पूरा, और फिर उसने उसी जगह पे वापसी रखा गाड़ी की आड़ में होके, और फिर वो बाइक पे बैठ के हमें आगे भेज दिया उसने। लेकिन जो वो लोग कह रहे हैं, उन्होंने बोला हमारे सामने चैम्बर खींचा है, वो थोड़े से हमारे सामने चैम्बर निकाला, कुछ बोल नहीं सकता मैं, आपका व्लॉग ऐसे फट्टू लोग हैं थोड़े, आप समझ जाओ, वो मुंह के फायर कह दो एक तरीके से, वो ऐसे हैं। उन्होंने बोला हमारे सामने चैम्बर खींचा है, दो दफा हमारे सामने सराउंड मारा है, मैंने उसको एक दफा देखा था ऐसे किया और ऐसे आके वापसी खड़ा हो गया वो बंदा गली के। अच्छा। और बोल रहा है कि हमारे सामने पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे जाके गली के कोने पर खड़ा हुआ।
कोने पे खड़ा हुआ, हमें लगा तकिए थे हम दोनों अंदर हो गए यार, और हमारे सामने चैम्बर खींचा, घर के अंदर है, उसने गली के अंदर आके चैम्बर निकाला। हम दोनों आ रहे गली के बिल्कुल एंड पे थे, वो गली के अंदर आया, उसने चैम्बर निकाला लोड करके हम दोनों पे रख दिया। तो फिर आपका रिएक्शन क्या था उसके बाद? इसका तो लीक हो गई, इसकी तो मैं तो रो जाता, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे रख देता, मैं रो जाता। इसकी लीक हो गई थी चैम्बर, उसने मेरे पे खींचा तो मेरे हाथ में मोबाइल था। अच्छा ये बोल रहा है इसके इसके ऊपर ऐसे, पहले उसने ऐसे खींचा है, जब चैम्बर खींचा मेरी तरफ है, फिर उसने ऐसे पकड़ा हुआ था, उसका निशान है तेरी तरफ था, ऐसे तू बैठा हुआ ना, वो मेरे ऐसे करा हुआ, इतना करीब था भाई, ये उनके विच हुए हुए थे, ये क्या कर सकता हूँ मैं इनके, मेरे को अंदर घुसे हुए थे, मेरे को पता थोड़ी वो मेरे इतना करीब आके चैम्बर निकालेगा, ऐसे बाहर निकाल जो यार। तो तू साथ आया तो तू उसके अंदर जब, अच्छा वो फेमस डायलॉग उसने बोला जो हर जगह फेमस डायलॉग बोलता है, बोला बस गाली नहीं दी उसने। अच्छा तो ये बोला दी थी गाली? गाली नहीं दी थी मैंने, गाली नहीं दी उसने बस। अच्छा लेकिन फेमस डायलॉग उसने बोला है कि मोबाइल निकाल, उसने गाली, वो मौलाना उसने टोपी लगाई शायद इस वजह से उसने गाली नहीं दी। हम तो बहुत अच्छा कर रहा था लेकिन गाली नहीं दी भाई, दिल से रिस्पेक्ट है आपको, चोरी बल्ले करो, गाली नहीं दो यार। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो भाई मोबाइल वापसी कर दो यार भाई, हुआवे यार, हुआवे मेट 10 लाइट कुछ करके नाम है उसका, पता नहीं कैसा अजीब सा वो यार, यूज करना पड़ रहा है। के बाद क्या किया तुम लोगों ने? वो दोनों ने खड़े हुए, क्या वो मोबाइल चोरी हो गया, ये चीना चिल्ला शुरू, अबे मेरा मोबाइल चोरी हो गया, इसने मैंने गालियां भी दी उसे, मैं बोला चाबी दे तू मेरे को, ऊपर तो जाने दे, चाबी ली, चाबी अच्छा यूं खड़ा हुआ है, मोबाइल चोरी हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, भाई भाई तू मेरे को चाबी दे, और बोला ये तो मुझे पहले से चोर लग रहा था, गाड़ी आ रहा है, उसने हमारे सामने चैम्बर निकाल के लोड करा फिर तुम्हारे पास आया ये। मैंने पहले उसके पास गया था पहले, ये बोल रहा है तू, इसने ये बोला उसको भाई तू आवाज लगा था, हम लोग पीछे के रास्ते भागते जाते हम दोनों, मोबाइल तो बचता हमारा, भाई बोल दे नहीं कुछ नहीं हुआ, हम लोग तो अंदर घुस गए, हमने भाई देखा वो बंदा ये पलट के आया, हम दोनों अंदर हो गए, हमने बोला हम बचे बस यार। वो बंदा अपनी एक जुबान पे नहीं है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा वो बोल क्या, उसने पहले हमारे सामने कुछ और बोला, फिर अंकल हम लोग वापसी जब इसके घर पे गए, हम लोग पानी वगैरह पिया, घर वालों को बताया इसके, नीचे आए हम लोग, लड़का आया अंकल, अंकल आया, अंकल पूछे बेटा आप लोग के साथ हुई रखी थी, जी अंकल हमारे साथ हुई है, उसने गली में आया, उसने चैम्बर खींच के जैसे लोड करके हम पे रखा ना, जैसे हम दोनों ने तब दे दिया। अच्छा मेरे को बोला है हमें तो पहले चोर लगा था, हम दोनों अंदर हो गए, हमने बोला क्या करें दोनों अंदर हो गए, हम दोनों इन दोनों को हमारे सामने पहले बोल रहा है कि हमारे सामने गन लोड करी है, उस हमारे पास आया है निकाल कर, फिर बोल रहा है हम दोनों अंदर हो गए थे, हम लोग जब बाहर आए दोनों सामने से आ रहे थे, अंकल को बोल रहा है बंदे का मेरा मोबाइल गया, सही है मेरे को इतना कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे को मेन मेरी पिक्चर्स थी और कुछ नहीं था उसमें, वो रिसर्च करके खोलेगा इस बंदे को पूरे रास्ते भाई, मेरे को इतना दिल चाह रहा है इसको पकड़ के मारूं, लेकिन इस भाई का मेन हॉट टॉपिक ये है कि भाई मेरी बाइक की चाबी चली गई, बोले भाई कहाँ खड़ी हुई थी तेरी बाइक की चाबी चली गई यार, बोले 150 रुपये, बोले मेरे को वो मसला नहीं है कि, बोले एक खुशी और एक गम है, बोला खुशी क्या है, खुशी क्या बताई थी आपने, खुशी बाइक बच गई, बाइक बच गई, और गम ये चाबी चली गई। मेरा तो नहीं गया यार, जिसका मोबाइल गया उसको टेंशन हो तो तो बंदा चुप कर रहा है ना भाई, जिसका ज्यादा नुकसान हुआ है वो, अच्छा माइक भी लेके आया था, भूल ही गया माइक यूज करना। जिसका ज्यादा नुकसान हुआ है वो कुछ नहीं बोल रहा, जिसकी चाबी 150 रुपए की गई है वो बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन पूरे रास्ते मतलब समझो अगर हम 8 बजे चोरी हुई है और हम लोग 11 बजे घर गए ना, तो ये बंदा एनी टाइम बस एक चीज बोल रहा है कि मुझे चाबी देखनी है, चाबी देखनी है, चाबी देख ले, मेरी चाबी गुम हो गई, अबे यार ये हो गया चाबी चली गई, उसने बोला आगे जाके चाबी फेंक दूंगा, तुम दोनों वहां से उठा लेना चाबी, सीधा जाओ, ताला लगा लो तो फिर वो सही रहेगी, उसका कोई मसला नहीं होगा, डायरेक्ट तो फिर स्टार्ट कर सकता ना, लॉक तो टूट जाता, तो ताला मोटा वाला अच्छा वाला, चलो भाई मोटा मॉरल तो सॉरी बाइक बच गई, बाइक बज गई, बाइक का फोन चला गया, मतलब द स्टोरी ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो क्या बोलते हैं एहतियात से निकले, एहतियात से लेके यहाँ वहाँ देखते रहे, वरना कभी भी आपकी ख्याल होगी तब पे जिंदा हो सकती है, सलवार कमीज और टोपी वालों पे विश्वास मत करें, किसी पे भी नहीं करें अपने अलावा, किसी पे भी नहीं करें अपने अलावा, खत्म हो गई बात, दोस्तों पे भी नहीं, किन जैसों पे, वो जो लड़के खड़े हुए थे वहाँ पे, इन जैसों पे, इन जैसों पे, ये भाई डकैत देख के उनके, और भाई एहतियात करें आप, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।